शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। क्योंकि तुम ही हो। भाई आप जल्दी से तैयार हो जाइए, दादी नीचे बुला रही है आप दोनों को। दादी बुला रही थी तो हंसने की बात क्या है? हंसने वाली बात इशिका के सवाल में नहीं, आपके चेहरे पर है। तो तुमने मेरे चेहरे पर मूछें बनाई, तुम्हें मैं कैसे आज सतरंगी बनाता हूँ? खबरदार जो काव्या भाभी को कलर लगाने की कोशिश भी की है तो, क्योंकि करण भैया और काव्या भाभी में बैठ लगी है कि कौन किसको पहले कलर लगाता है। मेरा इशारा करते ही ऐसे ढोल बजाना कि पूरी भीड़ इकट्ठा हो जाए, फिर उसी भीड़ का फायदा उठाकर तुम करण का काम तमाम कर देना। अपनी बहन की नाक मत कटने देना, जीतना आप कोई है। बिल्कुल नहीं शिका, बिल्कुल नहीं। ही, तुम भी अपनी भाई की ना नाक की लाज रख लेना, कटने मत देना। भाभी मेरी आपके और करण भैया के साथ ये पहली होली है, तो ये रंग लगाने से पहले थोड़ा नाच गाना हो जाए, रंग तो उसके बाद लग ही जाएगा। दादी चलो ना। अरे बाकी सब अरे चलो ना, मैं नहीं दादी, मजा आएगा। अम्मा चलो प्लीज, चलिए ना। यहाँ तुम्हारे कोमल गालों पर करण से पहले मैं रंग लगाऊंगा। Thank you. क्या कर रहे तू? हाँ दिमाग खराब हो गया तेरा? यहाँ करण को मारने की प्लानिंग छोड़कर तुम काव्या को रंग लगाने के चक्कर में पड़े हो। क्यों टेंशन ले रही हो माँ? करण को मारने की पूरी तैयारी कर ली है मैंने। अच्छा, ये हाथों पर गुलाल लगाकर तू उसको मारने की तैयारी कर रहा है? आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा माँ? हाँ। आपको देखना है ना मैंने क्या तैयारी की है? चलिए दिखाता हूँ। अरे डांस करो। चलो तो हमारी चांदी चांदी हो जाएगी। ये माँ कम कम रिलैक्स, माँ सब देख रहे हैं। अरे मेरे लाल, तूने
क्या नेक काम किया है आज, पूछो मत। आयुष्मान को अपने पीछे भगाने के लिए मुझे कुछ करना होगा। आइडिया, रंग का एक पूरा प्लेट आयुष्मान के सर पर डालूंगी, उसे गुस्सा आएगा, फिर देखती हूँ मेरे पीछे कैसे नहीं भागता है। क्या हुआ बुरा न माने, होली है, डांस कर। काव्या की बच्ची, इसे तो मैं नहीं छोड़ूंगी। अरे क्या कर रहे हैं आप, छोड़िए हमें। लो पियो। हमें नहीं पीना। अच्छा ठीक है, हमारे साथ पियो, चलो। कहा ना हमें नहीं पीनी, आप भी पीजिए। एक घूंट तो पी लो। मैं इनका चीयर्स। अरे 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 क्या कर रहे हैं, इधर तो रुको ना। अरे देखना था ना, सब तो नाच रहे हैं, हम भी तो नाचेंगे। छोड़िए ना, सब देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप। दिमाग खराब हो गया है। अम्मा जी, वो रॉकी के पापा को आपसे कुछ बात करनी है। क्या? अम्मा भांग बहुत अच्छी है, पी लेना मस्त। अरे आप नहीं जा सकते। काव्या, अरे बहुत टाइम वेस्ट हो गया है, प्लान को जल्दी अंजाम देना पड़ेगा।
ही हो, तुम ही हो, क्योंकि तुम ही हो, क्योंकि तुम ही हो। मैं हार मानती हूँ, लगा लीजिए कलर। होली का माहौल और कोई नाच गाना नहीं हो रहा, ढोल वालों बजाओ नाच के। करण चलिए ना, हम भी नाचते। चलो लोग लुगाए, हिल मिलिया में लोग लुगाए, भाई महलन में बीरा अबध में और के ले रघुबीरा, अरे और के ले रघुबीरा अबध में और के ले काव्या क्या हुआ? काव्या क्या हुआ? इतना जोर से चीखी क्यों तुम? मेरे पैर पे पैर रख दिया। पैर पे? दिखाओ। आ! काव्या कुछ नहीं हुआ है। दर्द हो रहा है मुझे। दर्द हो रहा है? बेटा मामा, आइस लेके आइए। आ, लाया। अरे काव्या क्यों चिल्ला रही हो? कुछ नहीं हुआ है तुम्हें। करण सर डोंट मरी, हमारी काव्या ऐसी है, चींटी भी काट लेना तो पूरे घर को सर पे उठा लेती है। हाँ जीजू, ये तो दर्द छिलने के मामले में ना बचपन से पूरी की पूरी फिसड्डी है। इनको तो मौका मिलाने की चढ़ाना शुरू कर देते हैं। तुम्हारे पैर पर चढ़ना तो बस एक ट्रेलर था, अगर मेरे आयुष्मान से दूर नहीं हुई तो ऐसी फिल्म दिखाऊंगी कि कहीं की नहीं रहोगी। कर क्या रहा है तू? हाँ, इस करण की वजह से काव्या हमेशा बच जाती है। अब तुम मुझसे नहीं बच सकती काव्या। मैं इतनी आसानी से आपको जीतने नहीं दूंगी। काव्या तेरी रगों में भी तेरे बाप का ही खून दौड़ रहा है। प्लानिंग इतनी बड़ी बड़ी और रिजल्ट जीरो। रिलैक्स माँ, अभी मेरा प्लान फेल नहीं हुआ है। यहाँ करण मेरी आंखों के सामने जिंदा घूम रहा है, कह रहा है कि प्लान फेल नहीं हुआ है।
सना को क्या हो गया? पार्वती जाओ जरा। चलिए ना, देखते हैं। सना क्या हुआ? सना सना बैठो बैठो। सना क्या हुआ बेटा? क्या हुआ बेटा इसे? हाँ, मुझे लगता है इसने भांग वाली ठंडाई पी ली। हे भगवान। पृथ्वी जल्दी से पानी लेके आना। हाँ लाया। अरे आप चलिए मेरे साथ, भुजिया खाते हैं। मुझे नहीं खाना। अरे चलिए ना, चलो। हाँ हाँ बोलिए। हाँ ठीक है, मैं आता हूँ। हाँ अभी आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ। या श्योर अदरी, यहाँ पे हो। सुनो काव्या को बोल दो मैं आधे घंटे में आ रहा हूँ। जी कुमार सिंह, बोल रहे थे कि होली की पार्टी के बाद करण जिंदा नहीं बचेगा, पर उसे तो एक खरोच तक नहीं आई। टेंशन मत लीजिए माँ, मेरे पास बैकअप प्लान भी रेडी है, प्लान बी। तुम लोग अपना काम शुरू कर दो, मुझे हर हाल में आज करण का काम तमाम करना है। हो गया, शाबाश। क्या हुआ? हो गया काम। वेल डन रॉकी, वेल डन। बस थोड़ी ही देर में इस करण का काम तमाम। बैठिए। कैसा लग रहा है? पता नहीं, जल्दी से क्या पी लिया मैंने। कोई बात नहीं बेटा, अब ठीक लग रहा है ना? बेचारी कितनी हालत खराब हो गई है उसकी। काव्या तुम्हारी भी हालत कुछ अच्छी नहीं लग रही है हमें, है ना? नहीं दादी माँ, ऐसी कोई बात नहीं। आपकी आंखों को देखकर तो ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा। ये करण भी ना होली के दिन भी कुछ ना कुछ काम करने के लिए चले जाते, ऐसा थोड़ी होता है। करण की ये पुरानी आदत है, उन्हें काम के आगे कुछ नहीं दिखाई देती, है ना इशिका? मैं तो कहती हूँ भाभी आप एक बार भैया को कॉल करके तो देखिए, शायद आपका कॉल जाते ही वो काम छोड़कर वापस यहाँ आ जाए। बहुरानी, कुंवर जी ने आपको बताने के लिए कहा था कि वो किसी जरूरी काम से बाहर जा रहे हैं, थोड़ी देर में लौट आएंगे। ठीक है।
ये क्या सिग्नल ही नहीं आ रहा है? हाँ बोलो काव्या। मुझे कुछ नहीं बोलना है, मुझे ना आपसे बात ही नहीं करनी। आपने ना मेरे साथ चीटिंग की है, क्यों ऐसे गेम को बीच में छोड़कर चले जाने का क्या मतलब है? ऐसे कैसे चले गए आप? काव्या, यू आर द बेस्ट। वो क्या ना, अचानक फैक्ट्री का इंस्पेक्शन करने एक टीम आई है तो मुझे आना पड़ा। ये सब बहाने हैं, मैं जानती हूँ। मुझे ना आपसे बात ही नहीं करनी, और मुझे पता है आप जानबूझकर चले गए कि कहीं मैं आपको पहले रंग ना लगा लूं, है ना? यही बात है ना? वैसे गुस्से में तुम्हारी आवाज बहुत मीठी लगती है, और ये मीठी आवाज को सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम ऑलरेडी मुझे मिस कर रही हो। क्योंकि तुम ही हो। कर रही हो ना? तुम्हारी खामोशी भी मुझे सुनाई देती काव्या, इसीलिए तुम्हारे बिना कुछ कहे मुझे मेरा जवाब मिल गया। देखिए जवाब मुझे चाहिए, ये बताइए कि आप कब तक आएंगे? काव्या मुझे तुमसे एक बात कहनी है। आप बात को घुमाइए मत, मैंने जो पूछा है उसका जवाब दीजिए। कब तक आएंगे? बस आधे घंटे में आता हूँ। वैसे मुझे तुम्हें एक सरप्राइज देना था, हम दोनों कल हनीमून पे जा रहे हैं। हनीमून? हनीमून? और ये बात मुझे तुम्हें तुम्हारी आंखों में देखकर कहनी थी, पर तुम्हारा गुस्सा देखकर मुझे लगा कि मैं तुम्हें ये बात सिर्फ फोन पे कह पाऊंगा। ठीक है, आप अपना काम खत्म कर जल्दी आइए, मैं आपका इंतजार करूंगी। आऊंगा। करण का अंदाज ही निराला है, ये हनीमून का प्लान भी सरप्राइज रखा। बिना मांगे ही मेरे सारे सपने पूरे कर दिए। मैं सच में दुनिया की सबसे लकी लड़की हूँ। काव्या? जी दादी। दादी माँ, मेरी करण से बात हो चुकी है, वो कह रहे कि आधे घंटे में आ जाएंगे। चलो अच्छी बात है। करण अब और इंतजार नहीं हो रहा है मुझसे, जल्दी आ जाइए इस रंग के साथ। आपको अपने प्यार में रंगना चाहती हूँ, बस अब देर मत कीजिए, जल्दी आ जाइए ना। कौन है ये, इधर क्यों लेके आए? काव्या और करण के इस खूबसूरत प्यार को महसूस कीजिए, और अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।